राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र न्यू मदर टाइम्स मुरादाबाद का 13वां सम्मान समारोह एवं वर्षगांठ 28 अप्रैल 2019 रविवार को पूरी शान शौकत के साथ प्रेस क्लब भवन कंपनी बाग मुरादाबाद में मनाई गई। इस भव्य कार्यक्रम की सरपरस्ती अब्बास इंटर कॉलेज मुरादाबाद के अध्यक्ष एवं एनएम टाइम्स के संरक्षक हाजी अब्दुल वाहिद अब्बासी, जनता सेवक समाज के अध्यक्ष एवं जानकारी समाचार पत्र के संपादक सैयद अजीजुल हसन और प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के उपाध्यक्ष एवं दैनिक हुकूमत एक्सप्रेस के संपादक शिशिर कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता माइनॉरिटीज एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नेशनल सेक्रेटरी और अब्दुल सलाम मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज के ट्रेजरर मिर्जा आरिफ बेग ने फरमाई। इस कार्यक्रम में रिटायर्ड जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं शान इंटर कॉलेज मुरादाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर फरीद अहमद PDS मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुरादाबाद नागरिक समाज के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह, सिविल डिफेंस के पूर्व असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर सहदेव त्रिगुणायत और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के पूर्व सदस्य सैयद मोहम्मद हाशिम विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन युवा समाज सेवी मुख्तार हुसैन द्वारा किया गया। NM टाइम्स के संपादक और प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के मीडिया प्रभारी एहसान अब्बासी ने इस अवसर पर सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा, डॉक्टर आकिल साहब तशरीफ लाए हैं, उनका भी खैर मकदम स्वागत इस्तकबाल करते हैं। मामा सीमेंट से सुभाष अग्रवाल साहब मेरे बड़े भाई तशरीफ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल स्वागत। नरेश शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। टायर ऑटो वर्क से देवेंद्र अग्रवाल साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। और साथ ही जितने भी लोग न्यू मदर टाइम्स परिवार से हैं और दिगर संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम में आए, उनका भी खैर मकदम इस्तकबाल स्वागत करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जनाब सैयद मोहम्मद हाशिम साहब सिविल न्यूज से तशरीफ ला चुके हैं। अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम भी शुरू होने जा रहा है और मंच पर से भी हमारे अतिथियों को अपने ख्याल का इजहार करना है। बहुत लंबी फहरिस्त बोलने वालों की हमारे बीच में है। बब्बू सेठी साहब हमारे बीच में पालपाड़ा से तशरीफ रखते हैं, आपका भी इस्तकबाल स्वागत है। साथ ही 2000 लोग हमारे बीच में से और अपने ख्याल का इजहार करेंगे। और वरिष्ठ पार्षद एवं समाज सेवी मास्टर अहमद हुसैन ने इस अवसर पर NM टाइम्स परिवार को बधाई देते हुए कहा, जो आज एहसान अब्बासी साहब ने मुझे इस लायक समझा अपने इस 13वें वार्षिक प्रोग्राम में शामिल किया। सबसे पहले मैं अब्बास साहब को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इनकी इतनी कड़ी मेहनत सालों से जो मैं देख रहा हूँ एहसान अब्बासी साहब की कि कितनी लगन से ये लगे रहते हैं, तमाम ही शहर की जनता की छोटी बड़ी समस्याओं को अधिकारियों तक और दिगर संस्थाओं तक पहुंचाते हैं, जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व भी कराते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इनको दोबारा देना चाहता हूँ कि ये कैसा ही मौसम हो, धूप हो, ठंड हो, ये अपने काम से जब निकलते हैं लोगों की समस्याओं को लेकर, तो वो समस्याएं लोगों की हल होती हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण होता है। FTPPA के चेयरमैन और ब्रास आर्टिजन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर सईद खानी मियां ने इस मौके पर अपने विचार रखते हुए कहा, सबसे पहले आपकी खिदमत में आ रहा, इन्होंने मेरे भाई मुख्तार साहब ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर मुझ नाटिस को भेज दिया, उसके लिए मैं इनका शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। और अपनी बात को मैं इस तरह कह सकता हूँ कि न्यू मदर टाइम्स एक आवाज नहीं है, ये समाज का आईना है। समाज की हर चीज को ये आया करता है, छापता है, यादगार कॉपी रखी जाती है। ये व्हाट्सएप का मैसेज नहीं है कि डिलीट हो गया दोबारा से ढूंढो। इस
मौके पर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जियाउर रहमान, नौजवान गुलूकार फरहान राशिद, हास्य कवि शुभम कश्यप और मशहूर शायर ख्याल मुरादाबादी व शायर मुरादाबादी ने गीत व गजलें पेश करके पूरे माहौल को शायराना बना दिया। इस समारोह को मंचासीन अतिथियों के साथ साथ जनता सेवक समाज के पूर्व अध्यक्ष पादरी पॉल सारस्वत, जमीयत उलेमा शहर मुरादाबाद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना रहमत अली कासमी, वरिष्ठ समाज सेवी जसवंत राय खुराना, हाजी जुल्फिकार अली, हाजी इरशाद अहमद सलमानी, शमसुर रहमान शमसी, बब्बू सैफी, शादाब कुरैशी, मोहम्मद इकराम, नासिर कमाल आदि ने भी संबोधित किया और संपादक मोहम्मद एहसान अब्बासी सहित समस्त न्यू मदर टाइम्स परिवार को समाचार पत्र की 13वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। इस अवसर पर न्यू मदर टाइम्स परिवार की ओर से जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें मुख्य रूप से मौलाना रहमत अली कासमी, पादरी पॉल सारस्वत, मंचासीन सभी अतिथिगण तथा नरेश शर्मा, आसिफ कुरैशी, इकराम अंसारी, हाजी इसरारुल हक, शारिक अंसारी, हाजी जुल्फिकार अली, जावेद साबरी, अनित भटनागर, मोहम्मद नूर, वासिफ अनवार, शादाब कुरैशी, डॉक्टर सैयद गानी मियां, मास्टर अहमद हुसैन, शमसुर रहमान शमसी, हाजी इरशाद अहमद साबरी, जगदेव कुमार, अली वारिस वारसी, कुमारी माधुरी, हाजी नसीम अहमद, नासिर कमाल, सुभाष अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, हाजी अजीम शमसी भी शामिल रहे। इनके साथ साथ सईद अंसारी, बब्बू सैफी, आदिल हुसैन, उबेद अंसारी, जीशान पाशा शायर मुरादाबादी, हाजी हनीफ, हबीब फुरकान अहमद, अश्विनी माथुर, सैयद मोहम्मद हाशिम, सैयद आफ्ताब अली, फरहान राशिद, जियाउर रहमान, मुख्तार हुसैन, हाजी मशतुल्ला अब्बासी, हाजी बशीर अब्बासी, हाजी मोहम्मद उमर साहिबान को भी उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद इकराम अब्बासी, युवा समाज सेवी मोहम्मद रेहान अब्बासी, रईस अब्बासी, निजाम साबरी, हिमांशु यादव, विजेंद्र यादव, कुलदीप कुमार शर्मा, प्रेम पाली एडवोकेट, निशांत जैन आदि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बीच में न्यू मदर टाइम्स के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर सैयद मोहम्मद हाशिम ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा, निशान बाकी है, कहीं कहीं पर वफा का निशान बाकी है और इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। आखिर में मोहम्मद एहसान अब्बासी ने सबका शुक्रिया अदा किया।